नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद पांचवें चरण की वोटिंग लगातार जारी है, जहां देश के 8 राज्यों के 39 सीट पर लगातार चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 13, बिहार में 5, झारखंड में 3, वेस्ट बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और शुरुआत में फिफ्थ फेज की समरी बताने के बाद इस पूरे चुनाव के लेखा जोखा के बारे में और सीट्स के बारे में विस्तार में बात करेंगे आगे। इसमें पहली समरी ये रही कि लोकसभा चुनाव के पांचवें फेज में 5 बजे तक केवल 47% ही वोटिंग हुई, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग हुई और महाराष्ट्र में सबसे कम 38%। यहाँ दूसरी बड़ी हाईलाइट ये रही कि ईवीएम खराब हो जाने के बाद बूथों पर एजेंटों द्वारा मतदाताओं को धमकाया गया। आज देश के 8 राज्यों के 49 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और हम जानेंगे कि उनके कुछ की सीट्स के बारे में, जो की सीट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोकसभा चुनाव के फिफ्थ फेज के नजरिए से। आपको बता दें कि ये फिफ्थ फेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कांग्रेस इसमें अच्छा करती है तो बहुत आगे जा सकती है और उसके चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूपी से, क्योंकि यूपी देश की राजनीति का गढ़ माना जाता है और यूपी में दो ही बहुत इम्पोर्टेंट सीट्स हैं। पहली है रायबरेली, दूसरा है अमेठी, और ये दोनों सीट लोकसभा चुनाव के पहले भी, बाद भी, अभी भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दोनों सीट कांग्रेस की वजह से चर्चे में आई है, क्योंकि हर बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने आए हैं। रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और अमेठी भी रायबरेली की तरह कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। तो देखिए, रायबरेली में चुनाव राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह होगा और वहीं अमेठी में बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के बेहद खास किशोरी लाल शर्मा सामने होंगे। आपको बता दें कि चुनाव के पहले इन दोनों सीट्स के लिए काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस कौन से प्रत्याशी पर अपना दांव खेलेगी, पर अंत में रायबरेली से राहुल गांधी ने खुद अपना नाम दाखिल कर दिया और वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पर भरोसा जताया गया। कांग्रेस का ये दांव पेच कितना काम आता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दोनों सीट्स पर तो नहीं, पर राहुल गांधी की जिस तरह रायबरेली सीट पर पकड़ है उससे कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। और वहीं अमेठी सीट की तो वहां पे बीजेपी से स्मृति ईरानी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, जहां कांग्रेस का जीतना मुश्किल समझ में आता। हम यूपी के बाद आ जाते हैं बिहार में, जहां बिहार के सोरेन लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, जिसको लालू यादव का गढ़ माना जाता है। इस बार सोरेन लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है और उनके सामने है 4 बार के सांसद रह चुके राजीव प्रताप। तो ये काफी कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और दूसरी तरफ है 4 बार के सांसद रह चुके राजीव प्रताप। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे कौन जीतता है और किस पे जनता भरोसा जताती। बिहार के बाद आते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल पहली बार ऑन ग्राउंड चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ उनके सामने है कांग्रेस के भूषण पाटिल। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि जो लोग इधर थे अब वो इधर आ गए हैं और जो लोग इधर थे अब वो उधर आ गए हैं। तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है कि किसको वोट दें, पर मेरा ये मानना है कि जनता इस बार पार्टी देखकर वोट नहीं देगी, जनता इस बार प्रत्याशी देखकर वोट देगी कि कौन सा प्रत्याशी उनके लिए फायदेमंद है, कौन सा प्रत्याशी उनके लिए काम करेगा, कौन सा प्रत्याशी काम नहीं करेगा। अब आते हैं लद्दाख में। जी हाँ दोस्तों, वही लद्दाख जो कुछ समय पहले अपने प्रोटेस्ट की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। लद्दाख के फेमस साइंटिस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो सरकार से सिक्स शेड्यूल की मांग कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार उन्हें सिक्स शेड्यूल का मांग दे दे, पर सरकार ने उनकी बातों को बहुत कैजुअल तरीके से लिया, जिसके बाद उनका प्रोटेस्ट वैसे का वैसे ही रहा। देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी कौन सी सीट वहां पे जीत रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के हालात रहे हैं पिछले कुछ महीनों में कि उन्होंने लद्दाख के लोगों की बात तनिक नहीं सुनी और उनके विचारों को बहुत कैजुअल तरीके से लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये लद्दाख का एक भी व्यक्ति बीजेपी को वोट डालने जाएगा।